बिग क्वांटिटी में भाई छोटी सी रेडी के ऊपर देख सकते हैं आप कितनी सारी वैरायटी रख रखी है। रोल है, टिक्की है, चाप है, ठीक है, फिंगर्स हैं, चाउमीन भी बना रहे हैं भैया बैक टू बैक। और इधर देख सकते हैं यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं हमारे मोमोज भी हैं, देख सकते हैं आप इधर, और ये बैक टू बैक लगाया जा रहा है। और भैया कैसे हैं आप? बढ़िया मालिक। कितने टाइम से लगा रहे भैया आप यहाँ पे? 12 साल से लगा रहे हैं। तो भाई किसी टाइम पे मैं यहाँ पर जॉब किया करता था तो भैया के पास आकर के मैं बर्गर खाया करता था। तो भैया का बर्गर बहुत फेमस है, उसमें चाउमीन डालते हैं, अगड़म झगड़म दुनिया भर की चीज़ें डालते हैं, जो कि इतना मज़ेदार रहता है ना खाने में। तो भाई वो भी आपको दिखाएंगे साथ के साथ। भैया फ्राई मोमोज हैं हमारे, रोल्स हैं, और आप देख सकते हैं भाई सब चीज़ बनाते हैं भैया। तो भैया आपके पास वैरायटियाँ कौन कौन सी हैं? चिल्ली पटाटो है, चिल्ली चाप है, फ्राई चाप है, फ्राई चाप है, चिल्ली पटाटो, चाउमीन है, ये चीज़ बर्गर है। चीज़ बर्गर भैया, चीज़ बर्गर का प्राइस क्या रखा हुआ आपने भैया? 35 रुपये रखा हुआ है। तो आपका टाइमिंग क्या है हम जानना चाहेंगे? चार से शाम को 4 बजे से लगाते हैं, 10 बजे तक रहते हैं, और 10 बजे तक ये मामला जो है ना सब सफा हो जाएगा भैया। इतना बढ़िया बनाते हैं भैया, बाकी जो आइटम है हम भी अपने लिए बनवाते हैं और टेस्ट कराते हैं, और बनते हुए आपको दिखाएंगे और खाकर भी बताएंगे टेस्ट के मामले में क्या है क्या नहीं है। तो भाई आप देख सकते हैं धीरे धीरे जैसे कि शाम होती जा रही है, समय बढ़ता जा रहा है, तो भाई क्राउड देख सकते हैं आप इधर की साइड में बैक टू बैक भाई आते जा रहे हैं। तो ये चिल्ली चाप है या ग्रेवी चाप है? जैसे कहो वैसे बन जाएगा। तो हमारे को ग्रेवी चाप चाहिए। एक और डाल दो फिर। हाँ हमारे कैमरामैन की फरमाइश आ रही है, एक और डाल दो। तो यहाँ पर भाई अपने तलने स्टार्ट हो गए हैं, और भाई हमें सब काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में बना करके देते हैं। ये देखिए फिंगर हमारे भाई बैक टू बैक अभी ऐसे चलता रहेगा ये हाथ भैया का। भाई ये हमारे मोमोज हैं, फ्राई मोमोज, और बिल्कुल क्रंची है भाई, बहुत गर्म है। कैसे लगे भाई साहब? अभी तो भाई गर्म है, मुझे बोला नहीं जा रहा। तो फिर बोलोगे कब खा लोगे जब? भाई मोमोज भाई बिल्कुल क्रंची है, बिल्कुल फ्राई अच्छी तरीके से किया हुआ है, जो मैदा है बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुकी है भाई, किसी को हानिकारक भी नहीं हो सकता ये, कि पेट में दर्द हो जाएगा, कच्चा रह गया, कुछ रह गया। और सोयाबीन का बना हुआ है, बिल्कुल वेज है ये। ये देखिए कितना बढ़िया है, और मज़ा भाई चटनी का आ रहा है, चटनी का जो स्वाद है बढ़िया है भाई, जो बहुत ही बढ़िया लगा मेरे को खाने में। नेक्स्ट आइटम आ चुका है, ये रहा हमारे रोल्स, ये देख सकते हैं आप भाई। इसका क्या प्राइस रखा हुआ है रोल का भैया? भाई मात्र 10 रुपये का प्राइस भाई, 10 रुपये में कहाँ मिलता है आपका रोल भाई? 10 रुपये में नहीं मिलता भाई कहीं भी, अलीपुर में मिलता है खाली, आकर के विजिट करें और खाएं। और भाई ये रोल है हमारा, भाई क्रंची तो बहुत ही बढ़िया बना रखा है उन्होंने, बिल्कुल बढ़िया क्रिस्पी, और इसके अंदर देख सकते हैं फिलिंग जो हमारी चाउमीन की फिलिंग करी हुई है, काफी बढ़िया टेस्ट बना रखा है भाई। इंतजार तो हमारे को खाली किसका है? बर्गर का। तो भाई हमारी ग्रेवी चाप भी तैयार हो चुकी है, और ये बन करके तैयार है, यहाँ पर देख सकते हैं आप ग्रेवी, भाई कितनी बढ़िया ग्रेवी बनाई है भैया ने, ये देख सकते हैं इसके अंदर जिस तरीके से हमारी चाउमीन बनाई जाती है ना, उस तरीके से भैया ने इसकी ग्रेवी तैयार करी थी। आप वीडियो में देखना, उसको अच्छी तरीके से एनालाइज करना कि उसके अंदर क्या क्या डाला गया है, बाकी मैं फिर भी आपको बता ही देता हूँ क्या क्या डाला गया है भाई। अपना ये देख सकते हैं ग्रेवी तो बढ़िया बनी हुई है अपनी, चटनी वटनी से तीखी करके, बाकी टेस्ट करता हूँ भाई ग्रेवी, आप देख लेना उसमें क्या क्या डाला है, जानकारी आपको वहीं से मिलेगी, मैं तो आपको टेस्ट करके बताऊँगा सिर्फ। भाई गर्म हो रही है, फूक मारनी पड़ेगी भाई। बहुत ही बढ़िया ग्रेवी चाप तो बहुत खाई है जो अपने चाप वाले बनाते हैं, पर लेकिन ये कुछ अलग ही हटकर है भाई। इसकी जो ग्रेवी बन करके तैयार हुई है, जैसे हमारी चिल्ली पटाटो की ग्रेवी होती है ना,
वही सेम है, कोई डिफरेंस नहीं मानता मैं। बाकी टेस्ट के मामले में बढ़िया, और जो हमारी चाप है बिल्कुल फ्रेश लग रही है और इजीली ग्रेप हो रही है, मतलब काटी जा रही है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी तरीके से बनी हुई है, बहुत ही टेस्टी है। और इसका जो प्राइस रखा हुआ है भैया ने 40 रुपीज़ इसका प्राइस रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट अपने बर्गर है उसको ट्राई करेंगे हम अपना। तो भाई ये बर्गर है हमारा चौमिन वाला बर्गर, जैसे कि भैया का सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ यही है भैया की, और हमारी चाप दो ही आइटम ऐसे हैं जो काफ़ी फेमस है। तो भाई आप इसके अंदर देखते हैं स्टफिंग के मामले में, भाई इसके अंदर चौमिन भरी हुई है अच्छी तरीके से, अपनी टिक्की है, बाकी सारी चीज़ें, पनीर भी है। बाकी टेस्ट करते हैं इसको, भाई ज़बरदस्त, बिल्कुल चटपटा तीखापन जिसे कहते हैं वो डाल बना हुआ है बिल्कुल बर्गर हमारा, और बहुत ही बढ़िया चटनी हमारी ज़बरदस्त है। भाई देखो हर चीज़ की क्वालिटी जो बढ़ाते हैं ना उसकी चटनी होती है, तो भैया की चटनी जो है बहुत ही बढ़िया बनी हुई है। भाई प्राइस के मामले में तो बहुत ही बढ़िया है, भैया ने जिस तरीके से बना रखा है सेटअप, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को ये सेटअप देख करके। बैक टू बैक ऑर्डर लगे जा रहे हैं भैया के, और बढ़िया ऐसी काम चलता रहना चाहिए। आप लोग भी यहाँ पर आकर विजिट करके भैया का जो भी आइटम्स हैं, जो भी बर्गर है, चौमिन है, चाप है, सब आप टेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया टेस्ट बनाते हैं भैया, बहुत ही बढ़िया बनाते हैं। और वीडियो को यहीं पे ही एंड करते हैं वीडियो का। भाई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट लोकेशन में। थैंक यू सो मच।